हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हम आए हैं बैंगलोर। भाई साहब, इसने पूरे ट्रेन में हमें इतना तंग किया, इतना सताया, क्योंकि ये गाड़ियों की आवाज़ से शायद बहुत डर गया था। और अभी देखिए, ये महाशय घोड़े बेचकर सो रहा है। अचानक सा प्लान हुआ और हमें जाना है इंडिया से बाहर, और हमारा फ्लाइट है कल। फटाफट नाश्ता बना लेते हैं। मैं बना रही हूँ पास्ता। ये मैंने शेल शेप का जो पास्ता होता है वो 400 ग्राम लिया है। साथ में मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को तैयार रख लिया है। एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। पहले हमें कढ़ाई गरम कर लेना है और तेल डाल लेना है 2 टेबलस्पून। तेल गरम होने पर एक बड़े से प्याज को मैंने छोटा छोटा काट लिया है, उसको डाल देते हैं। साथ में ही हम मिला लेते हैं इसमें 2 हरी मिर्च, जिसको मैंने 2 हिस्सों में इस तरह काट लिया है। इसको अच्छे से भून लेना है। मिला लेते हैं इसमें 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको अच्छे से मिलाने के बाद धीमी आंच में इसको भून लेना है। अब एक एक करके इसमें हम डाल लेते हैं मसाला। पहले डाल लेते हैं नमक स्वादानुसार। ये मैं मिला रही हूँ 2 टेबलस्पून नूडल्स मसाला पाउडर, और ये है काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। ये रहा 1 टेबलस्पून सोया सॉस। इसको आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। इन सबको अच्छे से एक बार मिलाने के बाद इस तरह से एक क्रीमी सॉस बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसमें हम उबले हुए पास्ता को मिला लेते हैं। पास्ता को मैंने गर्म पानी में 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून तेल के साथ पका लिया था। 70% बन जाने पर इसको मैंने ड्रेन कर लिया था। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। फाइनली हम इसमें डाल देते हैं हरा धनिया। हरा धनिया को भी डालने के बाद अच्छे से एक बार मिला लीजिए। बस पास्ता बनकर तैयार है ना। बहुत सिंपल और बहुत टेस्टी भी है। आप इसमें चीज़, मेयोनीज, जो मर्जी डाल सकते हो, पर मैंने इसको सिंपल ही रखा है। आज बहुत सारा काम है और बहुत सारे जगह जाना भी है, तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। तो पहला काम है पैसे एक्सचेंज करना। तो बैंगलोर में कमर्शियल स्ट्रीट में बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जो मनी एक्सचेंज या फॉरेन एक्सचेंज करते हैं। ट्रैवल के टाइम पर कुछ इमरजेंसी आ गया हो या फिर कुछ खरीदना ही है, तो US डॉलर्स आराम से चल जाता है। मैं अपना इंडियन रुपीस देकर US डॉलर्स खरीद रही हूँ। और हाँ, ये फ्रूट्स मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, ये एक ठेला है, इनके पास एक्जॉटिक इम्पोर्टेड फ्रूट्स हर सीजन में मिल जाता है। ये दुकान कमर्शियल स्ट्रीट पर दुपट्टा सेंटर की ऑपोजिट गली में है। आप बैंगलोर से हो और आपको नहीं पता हो, आपको एक्जॉटिक फ्रूट्स चाहिए तो इनके पास मिल जाएगा। ये जो अनार है और ये जो सीताफल, इसका साइज तो एक नारियल जितना बड़ा है। मैंने इतना बड़ा सीताफल कभी देखा नहीं। मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा और दुकान काम की चीज़ है तो इसीलिए मैंने शेयर कर लिया। और ये देखिए, ये है मेरा ऑल टाइम फेवरेट। ये गरम भुट्टे पर नींबू मिर्ची नमक का मसाला लगाने पर इसका जो टेस्ट है ना, वाह भाई वाह। अगर आपको ये खाना है और आपको कहीं भी नहीं मिल रहा, तो आप कमर्शियल स्ट्रीट दुपट्टा सेंटर के ऑपोजिट ये भैया खड़ते हैं, उनके पास 20 रुपये में आप इसको इंजॉय कर सकते हो। अचानक सा प्लान हुआ जाने का और बहुत सारा सामान खरीदना है, बहुत कम टाइम है और जल्दी जल्दी में बहुत सारा काम, क्या करें समझ नहीं आ रहा। फिलहाल हम घर वापस आए हैं सामान को रखने के लिए। हाँ, हम जा रहे हैं केन्या, जो अफ्रीका में है, और मेरे हस्बैंड वहाँ पर काम करते हैं, तो हमें अचानक वहाँ जाना पड़ रहा है। लंच के लिए मेरे मामा जी के घर से इनवाइट था, तो ये बना है चिकन कुरी मंदी, बहुत टेस्टी बना था। लंच हमने कर लिया है, अब हम चलते हैं बाकी काम की ओर। तो मैं आई हूँ वापस घर और एक तरफ हो रहा था शॉपिंग और दूसरी तरफ से हो रही थी पैकिंग। मैं हमेशा जब भी ट्रैवल करती हूँ, पहले से मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ, चेक लिस्ट। उसमें सारा आइटम मुझे जो भी याद आता है उन सबको मैं लिख लेती हूँ, और लिस्ट के हिसाब से सारा सामान मैं इस तरह लाकर एक जगह इकट्ठा कर देती हूँ। इस तरह करने से हमसे कोई चीज़ छूटता भी नहीं है और पैकिंग भी ईजी हो जाता है। और मैं कुछ सामान केरला से लाई थी, आपको दिखा देती हूँ। ये सारे वुडन का है, 30-25 इस रेंज में मिला। ये प्लेट है मिट्टी का, अभी जो भी सामान दिखाऊंगी सारा मिट्टी का है। प्लेट 100 रुपये का मिला। ये जो हांडी है, ये आपने मेरे वीडियो में देखा होगा पिछले वाले, ये 130 या 150 का मिला। ये हांडी हुआ 100 रुपये का। ये ग्लास मिला मुझे 50 रुपये में। ये कढ़ाई मिला मुझे 230 रुपये का। और ये जो हांडी है, ये मिला मुझे करीब 180 या 200 रुपये।
ये सब ऑनलाइन में महंगा ही होता है, केरला में ये थोड़ा सस्ता मिलता है। ये है चाकू शार्प करने का फाइल 50 रुपये का और एक चाकू 25 रुपये का। ये लिया मैंने नारियल का तेल, प्योर कोकोनट ऑयल और थोड़े से पैशन फ्रूट को भी मैं तोड़ लाई हूँ। तो आज है हमारे जाने का दिन और हमारे पास चाहे कितना भी टाइम क्यों ना हो, पर वो जो लास्ट मिनट का रश होता है ना, वो हर हमेशा रहता है, हर सफ़र में रहता है। बहुत लंबे दिनों के लिए अगर हम कहीं जा रहे हैं तो वो खुद में ही बहुत काम ज़्यादा होता है, ऊपर से अगर शॉर्ट नोटिस पे हम जा रहे हैं तो काम कितना ज़्यादा होगा, बाप रे आप पूछिए मत। ये बैंगलोर एयरपोर्ट है और बहुत सुंदर एयरपोर्ट है। मैं आपको शॉपिंग या फिर पैकिंग कुछ भी दिखा नहीं पाई क्योंकि बहुत बिजी दिन था और हमारा फ्लाइट था रात के 3:30 बजे का बैंगलोर से शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हमें जाना है 3 फ्लाइट बदलकर। हमारा कनेक्शन फ्लाइट है अभी बैंगलोर से शारजा, शारजा से नैरोबी जो केन्या का कैपिटल है। सुबह का 9 बजे का टाइम है और मौसम अच्छा है। हमें अभी 5 घंटे का सफ़र तय करना है। हम उड़ रहे हैं एयर अरेबिया में। सालों पहले जब मैं पहली बार फ्लाइट में बैठी थी तो मैं बहुत डरी हुई थी। मैं हर चीज़ को इतने ध्यान से देख रही थी, मुझे आज भी याद है। मुझे बहुत बुरे बुरे ख्याल आया था कि कहीं फ्लाइट क्रैश हो गया तो या तो हम पानी में गिर के डूब के मर जाएंगे या फिर हम जल के राख हो के मर जाएंगे। ऐसा बहुत बहुत डरी हुई थी मैं। और वो जो टॉयलेट का फ्लश का जो साउंड है ना, वो सुन के मैं इतना डरी हूँ, क्या बताऊँ मैं आपको। मेरी तरह ही बहुत लोगों का हाल हुआ होगा। आप मुझे लिखकर बताइए कि आपका पहला फ्लाइट एक्सपीरियंस कैसा रहा। हर कोई अपने बचपन में आसमान से जब भी कोई एरोप्लेन जाता था तो हम दौड़ के बाहर जाकर उसको देखते थे। आज भी हम देखते होंगे शायद। तो हम सोचते थे बचपन में कि ये उड़ता कैसे है, इसमें लोग बैठते कैसे हैं, ये मामला क्या है, हमें कुछ समझ में नहीं आता था। और चाहत तो होती थी एक बार उसमें बैठने की, उसको एक्सपीरियंस करने की, है ना। पर ये जो फ्लाइट का जो ट्रैवल है ना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे ट्रेन में ट्रैवल करना ज़्यादा अच्छा लगता है, ये मुझे बोरिंग सा लगता है। आपका क्या कहना है, कैसे ये वक्त कटेगा और ये कब नीचे उतरेगा, यही सोच में पूरा टाइम निकल जाता है। इस बार इतना बोरिंग नहीं था क्योंकि मैंने वीडियो बनाने के लिए ये सब शूट किया तो मेरा टाइम इसी में निकल गया था। ये आप देखिए, ये मुझे बहुत क्यूट लगा। ये बादल है और ऐसा लग रहा है कि किसी ने कॉटन कैंडी को थोड़ा थोड़ा करके यहाँ वहाँ फैला दिया है। आसमान इतना खूबसूरत लगता है, हम सोच भी नहीं सकते जब तक आप इसको देख नहीं लेते। देखने वाले की नज़रिए में भी है ये बात। और ये बादल को देखिए आप, ये ऐसा लग रहा है कि हिमालय में जो बर्फ का पर्वत होता है ना, उस तरह। इसका कहीं भी जोड़ नहीं है, कहीं भी छुआ नहीं है और इस तरह बह रहा है बस पानी की तरह। हम आगे आगे जाते हैं और ये बादल धीरे धीरे पीछे पीछे जाता है। हमें ये लगता भी नहीं कि हमने इतने कम टाइम में इतने मीलों की दूरी को पार किया है, है ना। बहुत हसीन नज़ारा। तो ये हो गया बाहर का नज़ारा और अंदर का नज़ारा देख लीजिए आप। ये है फ्लाइट, छोटा सा फ्लाइट है और हमने नाश्ते में लिया है मिक्स्ड फ्रूट बाउल और एक वेजिटेबल रैप। दिखने में क्यूट है ना और खाने में भी अच्छा था। तो हम पहुँच गए हैं नैरोबी जो कैपिटल सिटी ऑफ केन्या है। वेलकम टू केन्या। अभी हम हैं नैरोबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। हमें यहाँ से इमिग्रेशन और कस्टम्स क्लियर करने के बाद, सामान सारा लेने के बाद निकलना है बाहर। हमारी अगली फ्लाइट है मुंबासा के लिए जो यहाँ से 1 घंटे का ट्रैवल है और डोमेस्टिक एयरपोर्ट बाहर है। तो हमें अभी फ्लाइट चेंज करना है। अभी बज रहा है 5:00 और हमारा फ्लाइट 5 बजे का है। 1 घंटे का सफ़र है मुंबासा के लिए और हम आज जा रहे हैं इस तरह के एक जंबो जेट में। बहुत छोटा है और बहुत क्यूट है। मैं पहली बार इसमें ट्रैवल कर रही हूँ। देखते हैं, सिर्फ 1 घंटे का ट्रैवल है ना, तो इसमें खाना पानी कुछ नहीं मिलेगा और कॉस्ट में भी ये थोड़ा कम है, टिकट फेयर इसका कम है क्योंकि ये छोटा है और इतना फैसिलिटी भी नहीं है। 1 घंटे के लिए चलता है। हमें मुंबासा पहुँचते अंधेरा ज़रूर हो जाएगा
और मैं आपको आसमान से सूरज डूबने का जो व्यू है ना वो दिखाती हूँ। ये ज़मीन देखिए आप, कितना सूखा लग रहा है, बिल्कुल बंजर ज़मीन जैसा लग रहा है ना। यहाँ पे पानी की बहुत कमी है, लोगों को पीने के लिए पानी बहुत मुश्किल से मिलता है, तो गाय भैंस जानवरों को पालना है, साथ में ये पेड़ पौधे कैसे लगाए, मुमकिन ही नहीं। तो ये सब देखने के बाद हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि कितने लोग दुनिया में हैं जो पानी के लिए तरसते हैं और हम ऐसे ही पानी को वेस्ट कर देते हैं। तो इन सब से हमें एक सीख ये मिलता है कि हमें पानी को ज़रूरत के हिसाब से देखकर इस्तेमाल करना चाहिए, पानी को फालतू में ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये देखिए, ये है पूरा नैरोबी सिटी, कितने सारे बिल्डिंग्स हैं और कितने छोटे छोटे लग रहे हैं। जैसे जैसे सिटी ख़त्म होता है, गांव स्टार्ट होता है, देखिए बिल्डिंग्स भी कम नज़र आता है। ये है बर्फ के गोले जैसा लगने वाला बादल, अच्छे लग रहे हैं ना। और ये है सूरज डूबने का व्यू, आसमान से पेंटिंग की तरह लग रहा है ना, बहुत सुंदर है, कुदरत का भी कोई जवाब नहीं। तो हम पहुंच गए हैं, ये रहा हमारा फ्लाइट जिसमें हम आए थे, हम पहुंच गए हैं घर। मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था तो मैं आगे कुछ भी शूट नहीं कर पाई। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और कमेंट करना भूलना नहीं। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा।